हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। आदेश आया है हमारी सेंट्रल कमेटी का, जो किसान 31 संगठन जो इकट्ठे हुए हैं उनका आदेश है, आज जिला मुख्यालय के ऊपर धरना दिया जाएगा। वो एक खट्टर सरकार का जवाब है कि ये कह रहे हरियाणा के किसान नहीं है। आम जिला मुख्यालय सोनीपत डीसी ऑफिस के सामने जाकर के पूरे खर खोदेगा किसान है ये अभी जाने के लिए, और ये बता देंगे कि सोनीपत जिले का किसान कितना दाग चुका है और हरियाणा का किसान है ये तो खट्टर सरकार के लिए हरियाणा का नहीं है, ये बताने के लिए कि हरियाणा के किसान की जरूरत बन चुकी है और सोनीपत का किसान इसमें खर खोदेगा, किसान अग्रणी रहेगा और इसको लड़ाई को जीतने के लिए ये तो सरकार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, किसी भी लड़ाई के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये किसान आपके सामने खड़े हैं। अब हम सोनीपत जाएंगे जिले में मुख्यालय के ऊपर। खुदा ब्लॉक के दो से ट्रैक्टरों का काफिला सोनीपत हेडक्वार्टर पर जाकर किसान जो विरोध के कानून बने हुए हैं इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक हमारा धरना जारी रहेगा, और जो है इसमें 6 महीने लगो चाहे 1 साल लगो, किसान क्रोधित हो चुका है। सरकार तरह तरह के आरोप लगा रही है, कभी माओवादी बोलती है कभी आतंकवादी बोलती है, जनता अब इसके बहकावे में नहीं आएगी। जब तक हमारे नेता जो आदेश देंगे आगे की कार्रवाई उसके अनुसार चलेगी। आज का हमारा धरना डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर सोनीपत का है, वहाँ हमारे दोस्तों ट्रैक्टर का काफिला वहाँ पहुँच रहा है, और मैं ये जो छज्जा पज्जा पार्टी है इसको भी कहना चाहता हूँ, इसके नेतागण जो पदाधिकारी हैं वो या तो हमारे साथ किसानों के साथ आ जाओ, वरना इनका गांव में बुरा हाल होगा, इनका जूत लगेंगे, गांव में इन्हें कोई नहीं बढ़ने देगा, इनकी जो है आज जो हमारे करखोदा ब्लॉक के जितने भी ट्रैक्टर हैं 200 ट्रैक्टर के करीब सोनीपत हेडक्वार्टर पर जाएंगे और हम वहाँ धरना रखेंगे। जब तक ये तीनों कानून पूरे नहीं होते हम इसी तरह धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, और जो हमारे को नक्सलवादी माओवादी ये बताते हैं उनको हम चेतावना देते हैं या तो अपनी बातों पर बाज आ जाए
नहीं तो हम मोदी और खट्टर को ये बता देंगे कि हम क्या है और क्या नहीं है। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा @9pm न्यूज़ चैनल। नमस्कार।